बाबा और ममलिशत भाई को यावा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ठंडाई। गर्मियों के सीजन में यदि ठंडाई पीने को मिल जाए तो सारा दिन ताजगी बनी रहती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं यहाँ केवल आपको दो चीज़ों से ठंडाई बनानी बताऊँगी। यहाँ मैंने 25 ग्राम खसखस ली है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, और 100 ग्राम बादाम गिरी ली है। इसको हम ओवरनाइट या 6 से 7 घंटे भिगो देंगे। यहाँ खसखस को हमने एक बड़े बाउल में कर लिया है जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए और भीग जाए। बादाम को भी हम एक बड़े बाउल में कर देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। अब इसमें हम पानी भिगोने तक डालेंगे जितने हमारे बादाम भीग जाएं। बादाम हमारे अच्छे से फूल गए हैं, अब इन्हें हम छील लेते हैं क्योंकि फूले बादाम का छिलका आसानी से उतर जाता है। देखिए इस प्रकार इनको छील लेंगे। सारे बादाम हम छील कर इकट्ठे कर लेंगे। देखिए जल्दी जल्दी छिलका हमारा आसानी से उतर रहा है। सारे बादाम हमारे छिल गए हैं। इस प्रकार मैंने एक बाउल में बादाम छील कर रख लिए हैं। अब आगे का प्रोसीजर करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें हम चाशनी बनाएंगे। यहाँ मैंने 700 से 800 ग्राम चीनी ली है, इसको बर्तन में ऐड कर देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे, जितनी चीनी भीग जाए उससे ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। अब बर्तन को गैस पर रख देंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक इसे हमें चलाना है। देखिए इस प्रकार हमें चलाते रहना है। यहाँ मैंने 5 से 7 छोटी वाली इलायची ली है, इसको भी मैं चाशनी में पका लेती हूँ जिससे इसका फ्लेवर चाशनी में अच्छे से आ जाए और ठंडाई में अच्छे से रहे। क्योंकि ये मैंने छिलके से ही डाल दिए, इसको हम छान लेंगे जब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। अभी मैं देखिए एक टिप और बताऊंगी जिससे हमारी चाशनी बिल्कुल साफ सुथरी रहे। देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, चाशनी हमारी तैयार होने वाली है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध जिससे इसकी सारी गंदगी बाहर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी नितर के, फिर हम चाशनी को छान देंगे। देखिए इसके डालने से हमारी चीनी बिल्कुल साफ हो जाएगी एकदम। देखिए ये खट्टी होगी ना, हमारी चाशनी एकदम पारदर्शी हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। यहाँ मैंने एक बारीक छन्नी ली है, इसमें मैं चाशनी को छान दूंगी। अब जब हमारी चाशनी ठंडी हो जाएगी इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे। देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। यहाँ मैंने ये खसखस भिगोई हुई थी, ये खसखस अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम पीस लेंगे। खसखस को पीसने में पानी को अलग नहीं करेंगे जिससे खसखस आसानी से पिस जाए और स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। अब इसको हम पीस लेते हैं। देखिए खसखस को यहाँ हमने पीस लिया है, इसको हमने एक बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको अब एक बाउल में कर लेंगे। अब बादाम को पीस लेते हैं जो मैंने छील कर रख लिए थे, और बादाम के साथ ही पीसेंगे सफ़ेद वाली मिर्च जो दखनी मिर्च कहलाती हैं। ये मैंने 15 से 20 दखनी मिर्च लिए हैं, इनको भी हम बादाम के साथ पीस लेंगे। यहाँ बादाम हमारे थोड़े ड्राई हैं, इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करके और इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। बादाम का भी यहाँ हमने एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है। चाशनी हमारी ठंडी हो गई है, अब इसमें हम पहले मिक्स करेंगे खसखस का पेस्ट। इसको हम चाशनी में मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस प्रकार, देखिए थोड़ा थोड़ा कलर ठंडाई वाला आने लगा है हमारा। खसखस हमारी अच्छे से मिक्स हो गई, अब इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए बादाम जिससे हमारा फ्लेवर एकदम ठंडाई वाला आएगा। देखिए इस प्रकार इसको मिलाते जाएंगे अच्छे से। देखिए इसका कलर बिल्कुल ठंडाई वाला आ गया है बादाम का पेस्ट मिलाने से। ठंडाई का लिक्विड मिक्सचर बनकर तैयार है। इसको मैंने यहाँ केवल दो ही चीज़ों से बनाया है, इसमें मैंने कोई भी एडिशनल फ्लेवर इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसमें टेस्ट बहुत ही यूनिक आएगा, पूरा ठंडाई वाला। ठंडाई को स्टोर करने के लिए यहाँ मैंने एक बॉटल ली है।
आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखकर आप इसको पूरी गर्मियों ठंडाई का मजा ले सकते हैं और ताजगी से भरपूर रह सकते हैं। ठंडाई मिक्सचर से ठंडाई कैसे बनाई जाए अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम गिलास में ठंडाई ऐड करेंगे। इसके बाद हम 2 क्यूब बर्फ़ की डालेंगे क्योंकि ठंडाई बिल्कुल चिल्ड्री अच्छी लगती है। उसके बाद दूध, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें सर्व करने के लिए आप कटे हुए बादाम या पिस्ता या कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जिसे सर्व करने में ये बहुत सुंदर लगे। तो लीजिए दोस्तों, सुपर टेस्टी और कम इंग्रेडिएंट्स में ये ठंडाई बनकर तैयार है। आप भी इस गर्मियों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।